हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आरके पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारा सवाल है कि LNMU का साइट कब खुलेगा, पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग की फीस क्या फिर से लगेगा, कैसे पता चलेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, 9 से 12 नवंबर के बीच या 23 से 25 नवंबर के बीच। तो चलिए मैं आपका इन सब का डाउट एक एक करके क्लियर करती हूँ। तो मैं आपको बता दूं तो पहली बात कि LNMU का साइट 72 घंटे से ज़्यादा हो गया है, वो 29 से ही ये साइट बंद है, 29 के शाम से शायद बंद है शायद। तो ये साइट 72 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो इतना देर कोई भी साइट हो सके तो वो लोग कट ऑफ मेरिट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए भी ऐसा कोई मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, यानी कि वहाँ पे तो उन्होंने ऐसा किया है। अब अंदर ही अंदर क्या है वो तो मैं भी नहीं जानती और आप भी नहीं जानते। तो मे बी आज शाम तक खुले, लेकिन श्योर नहीं कह सकती हूँ क्या आज शाम तक खुले, क्योंकि आप अगर चाहे तो एक बार कॉल कर पूछ सकते हैं। अगर आपका कॉल उठा ले तो एक बार पूछ लीजिए कि उनसे कब खुलेगा। तो करोगे तो आपको यही पता चलेगा कि आज शाम तक खुल जाएगा, कार्य पर लगा हुआ है, इसी तरीके से आपको पता चलेगा। तो आप एक बार जाकर आप पूछ सकते हो, क्योंकि देखिए मैं कितना भी कर दूँ, कोई यूट्यूबर कितना भी कर दे, लेकिन जब तक आप अपना सेल्फ जब तक कुछ पता नहीं कीजिएगा तब तक किसी नतीजे पर बिल्कुल मत पहुँचिए। बस आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम है, वो आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाती है। मेरी नहीं, किसी भी और यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मेरी भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी जल्दी पता चले हैं। चलिए ठीक है, तो पेमेंट कब होगा? तो साइट खुलेगा उसके बाद आपका पेमेंट होगा। दूसरी बात कि 5 तक इलेक्शन है, हो सके उन्होंने 5 तक आपका फ़ी पेमेंट करने का डेट है। तो इतना तो जल्दी नहीं है ना कि 4 को खोलेंगे और बढ़ जाएगा 3 तक, तो वोट ही है 3 तक, या बहुत बहुत सारे स्टेट में भी, जिले में भी बहुत सारे, बहुत वक्त होगा, लास्ट वोट कब तक है आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या वोटिंग के कारण बंद है? तो हो सकता है कि काम चल रहा होगा, लेकिन अगर ऐसा काम चलता तो आपने देखा है कि यूनिवर्सिटी न्यूज में मैंने डाला है कि BEd पार्ट 1 का एग्जाम भी हो रहा है, 9 नवंबर तक होगा 1 तारीख से। तो इससे चलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो पता चला कि वोटिंग के कारण नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि पेमेंट हो सके तो आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि अब एट ए टाइम तो नहीं ना सारे बच्चे, इतने सारे बच्चों का जो लिस्ट निकला है तो एट ए टाइम तो सारे बच्चे नहीं कर लेंगे। अब पता चलेगा कि सर्वर ही उनका डूब जाएगा जब इतने सारे बच्चे पेमेंट कर लें। लेकिन हाँ, आप लोग चेक करते रहिए, जैसे ही खुले अपना पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई ठीक नहीं है कब बंद हो जाए कब खुलेगा। फिर नेक्स्ट काउंसलिंग, तो नेक्स्ट काउंसलिंग 6 तारीख को कॉलेज अलॉट होगा। टोटल ये प्रक्रिया 28 तक चलेगी, 28 के बाद ही अगर सीट बचा तो आपका नेक्स्ट काउंसलिंग होगा। तो सोच लीजिए अब क्या है कि इसका फीस फिर से लगेगा, तो इसकी कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं तो काउंसलिंग के लिए अब आपको मौका भी नहीं मिलेगा कॉलेज चुने, क्योंकि आपने जो कॉलेज चुना है वहाँ पे उन्होंने ऐसा साफ डिक्लेयर कर दिया था, आपने नोटिस पढ़ा था कि कॉलेज जो आपने चुना है उसी से आपको मिलेगा। यानी कि आपने 10 कॉलेज चुना है, 10 कॉलेज में सीट खाली होगा तो नेक्स्ट काउंसलिंग में भी वही कॉलेज मिलेगा। लेकिन मुझे, मेरा अपना ओपिनियन है कि आना चाहिए, ताकि जिस कॉलेज में सीट खाली है वो सीट वो नेक्स्ट दे देते हैं और फिर से चूजिंग का ऑप्शन कर देते हैं। ऐसा होना चाहिए था। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए कि ऐसा करे वो लोग। फिर है कि कैसे पता चलेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, 9 नवंबर को होगा, 9 से 12 नवंबर तक होगा या 23 से 25। तो आपका जब एडमिशन स्लिप जनरेट होगा, जब आप करोगे तो आपको खुद ब खुद साइट पर आपका बता दें कि आपका इतने तारीख को है, आपका इतने तारीख को है, इतने तारीख को है। तो वो आपको साइट पर ही पता चलेगा, वो आपको कोई नहीं बता सकता कि इतने रोल नंबर से या कितने रोल नंबर से। आप एक बार इस लिस्ट पर गौर फरमा लीजिए कि आपका फिर से क्या क्या है। यानी कि 28 तारीख को आपका जो है सो फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा, फिर सेकेंड आपका 1 दिसंबर से अगर बचा तो आपका सेकेंड 1 दिसंबर को आपका कॉलेज अलॉटमेंट दिख जाएगा, यानी कि आपने जो कॉलेज चुना है वो फिर से आपको दिख जाएगा। फिर आप भी पेमेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से 1/4/12/2020 तक ही आप कर सकते, 1 से लेकर 4 तारीख तक अभी तक का फी है। आप कितने तक पेमेंट करना है यहाँ पे देख लीजिए कि 28 तारीख को आपका फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगा, 6 तारीख तक यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट डेट आ जाएगा, यहाँ पे 5 तारीख को इन्होंने दिया है कि फी पेमेंट करना है, लेकिन हो सके तो इसकी डेट बढ़ाए, क्योंकि 3 दिन से तो साइट बंद है, आदमी करेगा खाक तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ चेंजेज होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, अगर सेकेंड काउंसलिंग में भी आपको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता है तो आप थर्ड काउंसलिंग का वेट कीजिए, वैसे भी ये पूरा जाने वाला है। और दूसरी बात, मैं आपसे अपील कर रही हूँ, अगर आपने MA नहीं किया है तो अपने साल इस साल मत वेस्ट होने दीजिए। बहुत सारे जगह पटना DDE NOU है, वहाँ से भी जाकर आप ये MA कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन, ताकि अगले साल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, मान लीजिए नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर 1 साल का BEd अगर लागू हो गया तो आप कर तो सकते हैं ना, 1 साल का BEd करोगे, MA तो रहना चाहिए।
तो इस तरीके से आप कर लीजिए, आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। दूसरी बार कि आपके पास अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, वहाँ आप फोटोकॉपी जाओगे दिखाओगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। फोटोकॉपी नहीं, सॉरी, वो आपका ओरिजिनल बस देखते हैं और फोटोकॉपी वहाँ रखते हैं NOU में। तो ऐसा होता है। फिर पटना डीडी का भी सेम हाल है। पटना डीडी में आप जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि MA आप, मैं तो कहूँगी कि आप रेगुलर से ना कर, डिस्टेंस से भी करेंगे तो MA का वैल्यू है। बट हाँ, ग्रेजुएशन कभी ना करें, BEd कभी ना करें, वोकेशनल कोर्स, कोई भी कोर्स आप रेगुलर से ही करें, डिस्टेंस को मत प्रेफरेंस दीजिए, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ और अभी मैं जो बोलती हूँ वो सही जाकर हो ही जाता है। तो चलिए, मैं वैसे मैं कोई भगवान नहीं हूं, तो चलिए आई होप कि आप सब सेटिस्फाइड होंगे होंगे। बस देखिए, एक दो सीट बचेंगे स्पोर्ट्स काउंसलिंग के वक्त, तो आपका अगर मार्क्स कम भी है तो अगर उसका सीट बचा रहा तो हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी पिछले 2019 में बहुत सारी सीटें बची रह गई थी। ठीक है, इसी प्रकार कुछ ऐसा होगा, अगर सीट बचा रह जाएगा तो आप डायरेक्ट जाओगे, आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन, उसके लिए आपको दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। तो चलिए, हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।